ओम शांति। आज की एफर्मेशन है, हर बाधा को सुविधा में बदल देना। टू चेंज एवरी ऑब्स्टेकल इनटू अपॉर्चुनिटीज। हर एक के जीवन रूपी क्षेत्र में अपने अपने अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। फिर चाहे वो स्कूल कॉलेज में टॉप करने का, या फिर किसी अच्छी जॉब प्राप्त करने का, या खुद का बिजनेस खड़ा करना, या फिर स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने का लक्ष्य। परंतु सफलता उन्हीं को ही मिल सकती है जो रास्ते में आने वाली बाधाओं, कठिनाइयों, चुनौतियों से संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं और उन बाधाओं को अवसर में बदल लेते हैं। उनसे घबराते नहीं हैं, क्योंकि हमें सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाए या यूं ही मिलता रहे आसानी से जीवन में, और इसी बीच कोई बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाए तो हम उसे पार नहीं कर पाएंगे या घबरा कर मंजिल को छोड़ देंगे, क्योंकि कभी संघर्ष किया ही नहीं। और ये अटल सत्य है कि जीवन में हर समय हर चीज हमारी इच्छा से नहीं हो सकती। जीवन में हर पल ऐसा कुछ न कुछ होता ही है जिससे हमें जूझना पड़ता है। लाइफ इज ए स्ट्रगल। बाधाओं को अवसर में बदलने के लिए हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि मुसीबतें आती हैं कुछ परिवर्तन करने के लिए या हमें कुछ बड़ा तोहफा देने के लिए। इन मुश्किलों को, तूफानों को पार कर सफलता के अनेक तोहफे प्राप्त होने वाले होते हैं। तो मुश्किलों से कभी घबराना नहीं, रोना नहीं। जीवन का पर्यायवाची ही है मुश्किलों से संघर्ष। इसको इस बात से हम समझ सकते हैं, 10 अगस्त 1979 को 19 साल की मेहनत 23 मीटर लंबा SLV-3 रॉकेट 17 टन का वजन लेकर 7:58 पर आसमान में उड़ गया। ये रॉकेट 4 स्टेज में था। ये रॉकेट नहीं था, उन तमाम लोगों का सपना था जो इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे APJ अब्दुल कलाम। ये रॉकेट पहली स्टेज तो पार कर गया, लेकिन दूसरी स्टेज में इसने काम करना बंद कर दिया और समुद्र में जा गिरा। अब्दुल कलाम जी की 19 साल की मेहनत 17 सेकंड में खत्म हो गई। कलाम जी बताते हैं कि उनकी आंखों से आंसू आ गए, जैसे टूट गए थे, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उनका मानना था पहाड़ की चोटी से उतरने से पहाड़ चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिल सकता, उसके लिए पहाड़ के चट्टानों पर चढ़ना होगा। एक एक कदम वो आगे बढ़ते गए और 18 जुलाई 1980 8:03 पर भारत का पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ा और अब्दुल कलाम जी और उनकी टीम सफल हुई और हमारा देश उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत थी। और ये सफलता मिली कलाम जी के नेवर गिव अप एटीट्यूड के बदौलत। तो हमें सीखने को मिलता है कि समस्याएं समान होती हैं, लेकिन उन्हें अवसर में बदलने का नजरिया जिसके पास होगा वही मंजिल तक पहुंच सकता है। माना कि रास्ते कठिन हैं और आपको अधिक परेशानी और असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, परंतु ये बात याद रखना, इस संघर्ष की रात जितनी ज्यादा अंधेरी होगी, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकेगा। अच्छा, ओम शांति। यदि आप ऐसे ही विषयों को सदैव सुनना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले विषयों की जानकारी सहज मिलती रहे। धन्यवाद। ओम शांति।